हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको टसल बटन बनाना सिखाऊंगी घर पर बहुत ही सरल और आसान तरीके से। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये मैंने कपड़े को लिया है, मेरे पास ये कपड़ा था, तो इसे हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। पहले एक पीस निकाल लेंगे इसमें से। इसके बाद आपके पास कोई भी बटन हो घर पर, किसी भी साइज़ का, जिस साइज़ का आप बटन बनाना चाह रहे हैं बटन ले लें। और कपड़े पर इस तरीके से रखकर इसमें हमें सिलाई करनी है। पीछे की तरफ इसको इस तरीके से टाइट से पकड़कर इसके पीछे हमें सिलाई कर लेंगे। इसमें हम सिलाई के लिए मैंने सुई धागे का यूज़ किया है। इसमें मैंने डबल धागा डाल लिया है और डबल धागे से मैं इसमें सिलाई करूँगी। आप इस तरीके के बटन घर पर अपनी ड्रेस के लिए अपने आप बना सकते हैं। किसी भी ड्रेस में लगाने के लिए आप घर पर बनाएं इस तरीके से। सुई धागे से मैंने इसको इसे टाइट से सिल लिया है। और सिलने के बाद हम इसमें जो ये एक्स्ट्रा है इसे कपड़े की कटिंग कर लेंगे, जो पीछे की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है। आपको ये बिल्कुल टाइट से ही सिलाई करनी है, इस बात का ध्यान रखना है, लूज नहीं रहना चाहिए, ढीला। और ये देखिए बटन बनकर तैयार है। आप इस तरीके से भी बटन बना सकते हैं घर पर अपनी ड्रेस के लिए। और इसके बाद हम टसल बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये धागा लिया है। आप ऊन से भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके का धागा यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास हो। ये मैंने धागा इस तरीके से लपेटना है इसको हाथों में, मैंने हाथ से किया है, देखिए। कम से कम आपको 60-70 बार इसको इस तरीके से करना है। और इसके बाद हमें इस तरीके से इसे निकाल लेंगे और इसे एक साइड से कैंची से काट लेंगे इसको। और इसके बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल किनारे पर धागे से हमें इसे बांध लेना है, मजबूती से बांध लेंगे इसे हम। दो तीन बार लपेट कर और इसमें गांठ लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। देखिए ये मैंने इसे बना लिया है और ये हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसे बटन में अटैच करेंगे, जोड़ेंगे इसको हम बटन पर। तो बटन में आप दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तो आप इसको इसमें चिपका भी सकते हैं और इसके पीछे इसको चिपका कर भी कर सकते हैं और सिल कर भी कर सकते हैं। तो मैं इसे सुई से सिल कर आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे चिपका लें, चाहे तो आप इसे सिलाई कर लें। तो मैंने ये सुई से सिलाई कर ली है। इस तरीके से आप मजबूती से इसके पीछे इसको बटन के साथ जोड़ लेना है अच्छे से, ताकि ये मजबूती से इसमें जुड़ जाए। और देखिए मैंने इसमें इसे जोड़ लिया है और कितना खूबसूरत बनकर तैयार है बटन। और ये आप अपनी ड्रेस में लगाएं तो बहुत ही अच्छा सुंदर दिखती है ड्रेस, घर पर बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।